जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड डिस्टेंस के बारे में। जी हां, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप बीएड डिस्टेंस करना चाहते हैं और उसके बाद में आप जानना चाहते हैं कि क्या बीएड डिस्टेंस से जो हम करते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होती है या नहीं होती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बीएड डिस्टेंस कराती है, तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप भी बीएड डिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो इसके बाद में आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं रहेंगे बीएड डिस्टेंस को लेकर। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड डिस्टेंस के बारे में कि बीएड डिस्टेंस से होता भी है या नहीं होता है। तो साथियों, बीएड डिस्टेंस बिल्कुल होता है, बीएड डिस्टेंस से आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होता है या नहीं होता है। तो साथियों, यदि आपने बीएड डिस्टेंस किया है तो आप उन यूनिवर्सिटी से कीजिए जिनको यूजीसी ने अप्रूव्ड किया हुआ है डिस्टेंस से बीएड कराने के लिए। तो यदि आप उन यूनिवर्सिटी से बीएड डिस्टेंस करते हैं तो आपका बीएड 100% मान्य होगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जहां पर आपका बीएड मांगा जाएगा, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, रेगुलर की बीएड की भी और जो आपने डिस्टेंस किया है उस बीएड की भी। तीसरा है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप डिस्टेंस से बीएड बिल्कुल कर सकते हैं, आपको जो बीएड होगा बिल्कुल मान्य होगा। तो ये जो आपके जनरली क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर मैंने आपको कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि बीएड जो डिस्टेंस से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कराती हैं, तो उस पर हम आते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है इग्नू का, जिसको लगभग सभी जानते हैं। तो इग्नू से आप बीएड कर सकते हैं डिस्टेंस में, इग्नू डिस्टेंस से बीएड कराती है। दूसरा जो नाम आता है, दूसरा नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है आपका, दिल्ली में है। तो आप यहां से भी बीएड कर सकते हैं डिस्टेंस में, बिल्कुल मान्य है, 100% मान्य है, आप यहां से भी बीएड कर सकते हैं। अब जो तीसरी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तीसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई आपकी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ये मैंने आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी बताई है जो कि क्या कराती है, डिस्टेंस से बीएड कराती है। यदि आप इन यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं तो आपका बीएड 100% मान्य होगा। अब आज हम स्पेशली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में, क्योंकि यहाँ से अभी फॉर्म निकले हुए हैं बीएड डिस्टेंस के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो पूरी डिटेल मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, आते हैं हम सीधा, जो आपका इनका लेटर जारी किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से बीएड एडमिशन को लेकर, तो उस पर। तो साथियों, हम आ गए हैं स्क्रीन पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से बीएड डिस्टेंस के लिए आवेदन के लिए जो नोटिस जारी किया गया है उस पर। एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके द्वारा दी गई थी कि सर इस पर वीडियो बनाइए, बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस चीज को लेकर परेशान है। तो उनका नाम खैर सिंह है जो कि दिल्ली पुलिस में है, उन्होंने इस चीज को मेरे को कहा कि आप वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा बिल्कुल हम बनाएंगे, यदि कैंडिडेट परेशान है तो आपकी बात बिल्कुल रखेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं खैर सिंह जी का। अब हम आते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है। तो साथियों, यदि हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कैसी है, नेक एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी है और ग्रेड क्या मिला हुआ है, ए। ए में भी क्या मिला हुआ है, ए प्लस। तो यानी कि यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है, तो आप देख सकते हैं। अब यहां से आगे आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन जारी किया है एडमिशन के लिए, वो आपका क्या है भाई, 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, और वो भी किस में है, डिस्टेंस मोड में है। किस में है, डिस्टेंस मोड में है। तो यानी कि आप डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं 2 ईयर बीएड। इसके बाद में जो सेशन है, सेशन किस सेशन के लिए, 2020 के लिए। अब यहां पर आगे हम बात करते हैं जो मेन चीज आती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है। तो यानी कि वही नॉर्मल है जो कि सभी जगह लगभग है कि 50% आपके होने चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में। यदि आप किसी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आपकी कोई कैटेगरी लगती है, तो वहां पर आपको क्या होगा, 45% जो कि सभी जगह है नॉर्मली बीएड के लिए, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो है आपका, यानी कि ये जो नॉर्मली होगा आपका, जैसे आपका बीए बीएससी बीकॉम है, ये नॉर्मल कोर्सेज है, तो उसमें आपको कितना चाहिए होगा भाई, 50%। यहां पर एक चीज और नोट कीजिएगा,
और यहां पर क्या है भाई 55%, यदि आपका क्या है आपने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की हुई है या स्पेशलाइजेशन ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स से आप हैं तो आपकी कितनी होनी चाहिए भाई, आपकी 55% होना चाहिए और कैटेगरी में छूट मिलकर आपको फिर कितना होगा भाई 50% होगा। अब इसके आगे कि फॉर्म फिल जो आपका होने स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं भाई 24/6/2021 से, यानी कि इसके लिए आवेदन ओपन है, आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 24 जो आपका जून है अब 24 जून से आवेदन कर सकते हैं 24/6/2021 से। और आवेदन आपके ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे, आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है आपकी क्या 4 जुलाई 2021 तक आवेदन आप कर सकते हैं, लास्ट डेट है आपकी 4 जुलाई 2021। इसके आगे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, आप यहां पर देख सकते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, आप यहां पर जब आप क्या करेंगे इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या लगेगी आपकी भाई मेरिट लगेगी, क्या लगेगी आपकी एकेडमिक मेरिट, मेरिट के बेस पे आपका क्या होगा फिर इसमें सिलेक्शन होगा या आप यहां पर बीएड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या नहीं, या यदि आप मेरिट में आ जाते हैं तो आप यहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा किसमें बीएड डिस्टेंस में। अब इसके बाद में है कि आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन किस तरीके से करना है, तो आवेदन कैसे करना है भाई आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या करना है ऑनलाइन आवेदन करना है और कहां पर जाकर करना है जो इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर जाकर आपको आवेदन करना है क्या www.kashmiruniversity.net या फिर आप जा सकते हैं www.kashmiruniversity.ac.in, तो इन दोनों में से आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आता है स्टेप टू, यानी कि जो कैंडिडेट क्या स्टेप है कि सबसे पहला क्या होगा भाई स्टेप टू में जो रजिस्टर्ड करना होगा उसको अपनी स्टूडेंट की आईडी बनानी होगी, यानी कि आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक स्टूडेंट आईडी बनानी होगी, उसके बाद में फिर आप उसको लॉग इन करेंगे, जो तीसरा स्टेप क्या होगा फिर आप उसको लॉग इन करेंगे और लॉग इन करने के बाद में फिर आपको वहां पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी फिल की जाएगी। अब इधर आते हैं नेक्स्ट है जो मैंने कि आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, यहां पर एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो अपलोड करना होगा और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे, इसके बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना है, उसके बाद में आप जो प्रीव्यू है वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसके लिए आपकी फीस कितनी लगेगी, यानी कि एंट्रेंस जो आपका इसके लिए अप्लाई आप कर रहे हैं तो उसके लिए फीस आपकी कितनी लगेगी, तो इसमें जो आपकी टोटल फीस लगने वाली है वो आपकी लगने वाली है 400 रुपये, यानी कि अलग अलग पार्ट में है ये, तो ये टोटल जो फीस होगी आपकी वो कितनी होगी 400 रुपीज होने वाली है। इसके बाद में आपका जो सबमिशन आपको डाउनलोड जो एप्लीकेशन है वो अपने पास आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी में वो हार्ड कॉपी में भी सबमिट करानी है, ऐसा नहीं है, यानी कि आप जो है हार्ड कॉपी में अपने पास रख सकते हैं, बाकी आपको इसको जो ऐसा नहीं है कि हार्ड कॉपी में आपको जमा करानी होगी यूनिवर्सिटी में। दूसरा है जो फीस पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, ऑनलाइन ही हो सकती है, यानी कि फीस सबमिट जो होगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी भाई ऑनलाइन ही हो सकती है, ऑफलाइन फीस सबमिट नहीं होगी। तो साथियों आप यहां से आप बीएड कर सकते हैं, जितना भी प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया है और साथ के साथ यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आप यहां पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यदि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में या आपको कोई चीज पूछनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के जो नंबर हैं कितने उठते हैं ये आप सभी को पता है, लेकिन यहां पर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने खुद वेबसाइट पर जाकर चेक किया था तो बहुत इजी टू यूज है, आप बहुत आराम से फिल कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों मैंने आज स्पेशली बताया है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो हमारा डिस्टेंस से बीएड है उसके बारे में, यदि आप इग्नू से या जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एडमिशन के प्रोसीजर है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो साथियों आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कितने संतुष्ट हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।